दूसरा एक बड़ा विषय आपसे क्षेत्र से ही आया कि पर्यटन मंत्रालय ने एक ऐसा कोई शिलालेख लिख दिया महाराणा प्रताप को लेकर के। देखिए महाराणा प्रताप का जैसे ही नाम आता है ना, तो राजस्थान का कोई भी नागरिक हो उसका तो सीना चौड़ा होता ही है, हर भारतीय भी गर्व से भर जाता है। और उसके लिए हमारे यहाँ क्या इतिहासकारों ने विक्टोरियस व्यू को नज़रअंदाज किया। विक्टोरियस व्यू को उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान इतनी बार जीते उसका उल्लेख नहीं है, एक बार हारे उसका उल्लेख ज़्यादा है। कभी महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे, लेकिन उस शिलालेख में ऐसा लिख दिया गया। तो यहाँ बड़ा विषय बना, करणी सेना के द्वारा भी बना, यहाँ क्षत्रिय समाज के द्वारा भी बना, यहाँ के नागरिकों ने भी फोन किया, राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी जी ने उन्होंने भी फोन किया। तो हम उसमें संशोधन करा रहे हैं, इतिहास में वस्तुतः क्या हुआ उसका पूरा अध्ययन करके हम जो एज इट इज हुआ। बहुत इतिहासकारों से मैं बात कर रहा हूँ और हमारे ASI के जो संबंधित अधिकारी है उनसे भी बात कर रहा हूँ करके जो हकीकत है क्या है कि देश आज़ाद होने के बाद कुछ ऐसे इतिहासकार आगे जो इंडिया का जो विक्टोरियस व्यू था ना उसको सामने ही नहीं रखा। महाराणा प्रताप विक्टोरियस व्यू के प्रतीक हैं। तो कब तक मानते हैं कि ये दोबारा जाएंगे क्या लिखते हैं? बहुत जल्दी अंडर प्रोसेस है, वो तो हट ही गया जो लगाया था उन्होंने, वो एक तरह का अपमान है जी राजस्थान का, ऐसा लगाना नहीं चाहिए, वो हट गया। अब नए सिरे से बहुत सी एक कमेटी